वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। सीए फाउंडेशन के जो बच्चे हैं अभी नवंबर 2019 में जो पेपर देंगे, आई होप सो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों अब आपको पता ही है लगभग एक महीना रह गया हमारे पास, तो हमें अब सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आई होप सो आप कर भी रहे होंगे, नो डाउट। सो बच्चों ये जो वीडियो है ना आपके पास, एक टॉपिक हमारे पास लॉ में हमारे से रह गया था वो हम कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, और थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा 2-4 मिनट लेके कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, इस एक महीने में। तो बच्चों लॉ में 1.57 पेज स्टडी मटेरियल लॉ की, इसमें एक डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और विगरिंग का, इसमें एक डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और विगरिंग का बच्चों, ये हमारा रह गया था तो अब हम इसको करने जा रहे हैं। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, जहाँ पे एक पार्टी इंश्योरेंस करती है और एक पार्टी इंश्योरेंस लेती है, इंश्योरर होता है और इंश्योर्ड होता है। कंपनी जो है वो आपको इंश्योरेंस देती है, वो लाइफ का भी हो सकता है, अदर देन लाइफ भी हो सकता है, और जो आपके पास इंश्योर्ड है जिसकी इंश्योरेंस हुई है उसको ये बेनिफिट होता है कल को अगर कोई लॉस हो गया या जिस भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसने इंश्योरेंस लिया है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने एक डिफरेंस दिया है 1.57 पे Chapter 3 लॉ के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेगरिंग में क्या डिफरेंस है, तो मैं डिफरेंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस एंड वेगरिंग इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। एज यू नो वेगरिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये इंडेमनीफाई करने का होता है किसी के लॉस का, अगर आपको लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। द क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज म्यूचुअल कंसिडरेशन, एक प्रीमियम पे करता है साथ में कॉम्पनसेशन अमाउंट होता है, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता, ये तो सिर्फ गैम्बलिंग ही होकर चलती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योर पार्टी हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी, या तो उसकी लाइफ सिक्योर होगी या प्रॉपर्टी, गाड़ी का इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे बेटिंग होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस। लाइफ इंश्योरेंस में तो डेथ के बाद पैसा मिलता है, लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, कोई नुकसान होगा तो उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, जबकि लूजर हैज टू पे फिक्स अमाउंट, यहाँ पे फिक्स अमाउंट होता है, शर्त लगी होती है, आपको पैसा देना होता है। इंडिया में इंश्योरेंस वैलिड है, अ काइंड ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये वॉइड है। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, कितना प्रीमियम बनता है, लोगों से कितना प्रीमियम लेना चाहिए, कितना साल का प्रीमियम पे करेंगे, उसका एक मेथड होता है साइंटिफिक बेसिस पे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, शर्तों में लोग कितनी मर्जी शर्तें लगाकर चल सकते हैं, और ये बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। कल को अगर थोड़ा सा प्रीमियम देके आपको अपनी गाड़ी का, बिल्डिंग का इंश्योरेंस मिलता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद बात है, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं होती, ये तो समाज को ख़राब करने की बात होकर चलती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ज़रूर पढ़ना, एक नया डिफरेंस है, ऐसा ना हो पेपर में आ जाए आप छोड़ दें बाई चांस। उसके अलावा बच्चों अभी हम लोग जो ये आखिरी का समय है, हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे बच्चों, इसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। बच्चों लॉ में, BCK में एंड BCR में देखो, सबसे पहले आपने प्रेफरेंस देनी है हमारे मॉड्यूल को, सेकंड नंबर पे आपने प्रेफरेंस देनी है ICAI के स्टडी के क्वेश्चंस को। बच्चों स्टडी मटेरियल पढ़ने नहीं है आपने, उसके क्वेश्चन करने हैं, जो भी एग्जांपल्स या बैक क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस वो करने हैं हर सब्जेक्ट की, और लॉ BC के BCR की भी। और जो स्कैनर है ना बच्चों, स्कैनर बस आप फास्टली एक बार रिवाइज कर लो, अब स्कैनर की अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्कैनर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही। मैंने आपको लॉ BCK का स्कैनर दिखाया है, BCR का, BCK का नहीं दिखाया, तो उसमें एग्जाम के क्वेश्चन है ही, OMR है, पता ही नहीं लगता एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो वो अपने बना रखे हैं। तो स्कैनर को बस आप फास्टली देख लो, अब स्कैनर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, बस इसको अब आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं काफ़ी बार, तो बार बार स्कैनर नहीं। इस समय एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर। बच्चों CA के इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर मॉक टेस्ट पेपर है, जब आप साइट के ऊपर जाएंगे icai.org, तो इसमें स्टूडेंट्स का पोर्टल होगा, स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स में जाएंगे BOS नॉलेज पोर्टल होगा, BOS नॉलेज पोर्टल। इस नॉलेज पोर्टल में आप जाएंगे तो CA फाउंडेशन आ जाएगा, और CA फाउंडेशन में आप चारों सब्जेक्ट आपके पास खुल जाएंगे, अकाउंट्स, लॉ, BCA एक्सेट्रा। तो उसके अंदर जाके आप मॉक टेस्ट पेपर करिए बच्चों। बच्चों इस समय मॉक टेस्ट पेपर करने का फ़ायदा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सॉल्व होते हैं उसमें सीरीज़ वन होगा, सीरीज़ टू होगा। मॉक टेस्ट पेपर वन में सीरीज़ वन टू और वन क्वेश्चन होगा उसके आंसर होंगे, फिर जो वन सेकेंड क्वेश्चन होगा उसके आंसर होंगे, तो सॉल्व होता है। तो प्लीज़ फोकस ऑन मॉक टेस्ट। आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ BCA और BCR के मॉक टेस्ट ज़रूर करें। लॉ के मॉक टेस्ट तो स्कैनर और पास एग्जाम के क्वेश्चन पे ही हैं, वो भी करिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके जरूर करिए। BCR के दो मॉक टेस्ट हैं, BCR के भी हैं। तो बच्चों पहले आप BCR के मॉक टेस्ट कर लो, BCR। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है BCR के मॉक टेस्ट आप लोग करिए। तो बच्चों अब हमें इस एक महीने में अपना जो हमने क्लास में बुक पढ़ाई है वो स्टडी के क्वेश्चंस, स्कैनर की अब जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं एक आधी बार। अगर नहीं पढ़ा किसी टॉपिक का तो उसका पढ़ लीजिए, बाकी दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें पास क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट पेपर के ऊपर, कुछ नए के ऊपर फोकस करिए, और वो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर अवेलेबल है। और RTP मैंने आपको दिखाई दी थी, ठीक है, तो अगर वो आपके देखना चाहो तो एक बार आप उसको भी एक बार देख सकते हो RTP को, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों टाइम पूरा यूटिलाइज करो, मन लगा के मेहनत करो। और देखिए पेपर में हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है, हमें टू पेपर्स ऐसे चाहिए जिसमें हम 60+ मार्क्स लें, 60+ मार्क्स। अगर हमारे ये आ जाते हैं बिल्कुल इजीली CA फाउंडेशन आपसे पास हो जाएगी। तो ये आखिरी का मेरा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का भी होता है। तो प्लीज़ आप लोग फोकस करके चलेगा, मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर करो, सॉल्व एंड साइट के ऊपर। सो बच्चों ऑल दी बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स, ठीक है। और प्लीज़ जितनी आप मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, पूरा एफर्ट लगाइए टूवर्ड्स योर स्टडीज़। ऑल दी बेस्ट बच्चों।